मर के भी किसी को याद आएंगे। भारतीय फिल्मों के बहुत से लोकप्रिय अभिनेता, साथ ही एक निर्देशक और एक निर्माता, जिन्हें फैंस ने बहुत से नाम दिए। दोस्तों, एक युग की कहानी में आज हम जानेंगे राज साहिब, भारतीय फिल्मों के चार्ली चैपलिन, द शोमैन। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, राज कपूर साहब। मैं हूं पोषण कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेरी आवाज बाई पोषण। हिंदी सिनेमा जगत में राज कपूर ऐसा नाम है जो पिछले 8 दशकों से फिल्मी दुनिया के आकाश में सूरज की तरह जगमगा रहा है। बड़े झूठ का जमाना है साहब। जो औरतें अपने चेहरों पर बड़े झूठ का पेंट पाउडर मलती हैं, उन्हें हसीन और नौजवान समझा जाता है। जो लोग पब्लिक से बड़ा झूठ बोलते हैं, वो नेता और लीडर कहलाते हैं। व्यापार की दुनिया में जितना बड़ा झूठ तिजोरी में, उतना ही ज्यादा रुपया। मैं तो इस बड़े झूठ के मैदान का एक बहुत छोटा सा खिलाड़ी हूं साहब। उनकी आंखों का भोलापन फिल्मों की खास पहचान बना था। राज कपूर ने अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता में प्राप्त की, हालांकि पढ़ाई में कभी भी उनका मन नहीं लगा, जिसके चलते 10वीं कक्षा की पढ़ाई राज कपूर ने बीच में ही छोड़ दी थी। वे काफी मनमौजी विद्यार्थी का जीवन बिताते थे। उन्होंने स्कूल की किताबें बेचकर खूब केले पकौड़े और चाट खाई थी। उन्होंने कई सारी हिट फिल्मों में अभिनय किया था। बस यही तो हमारे नए समाज का कमाल, जो चोर दूसरों की जेब काटते, पब्लिक की आंख में धूल डालते, मेरे जैसे पसला सूट पैंट पहनते, उन्हें हम शरीफ समझते, और जो ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके पेट पालते, फटे पुराने कपड़े पहनते, उन्हें चोर डाकू आवारा समझकर घर लिया जाता। और उनके द्वारा हिंदी सिनेमा को दिए गए योगदान की वजह से उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित भी किया गया था। नेहरूवादी समाजवाद से अभिप्रेरित होकर अपने जीवन की शुरुआती फिल्मों के माध्यम से प्रेम कहानियों को मादक अंदाज देकर बड़े पर्दे पर लेकर हिंदी फिल्मों का जो नया रास्ता बनाया था, उनके बनाए रास्ते पर कई फिल्मकार ने अपना सफर शुरू किया था। राज कपूर साहब का विश्वास था कि राजनीतिज्ञ और फिल्मों का निर्माण करने वाले दोनों एक प्रकार से ही रंगमंच के कलाकार हैं। दोनों का काम ख्वाब बेचना है। फिल्म निर्माता अपने ख्वाब फिल्मों के जरिए बेचता है और राजनीतिज्ञ अपनी बड़ी बड़ी योजनाएं प्रचारित करता है। राज कपूर की फिल्मों से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि उनकी फिल्मों में बड़े बड़े सेट दिखाए गए, उनके सेटों को सजाने में भी बेशुमार पैसा खर्च किया, उनके निर्माण में व्यापारिक दृष्टिकोण भी नजर आता है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि जहां राज कपूर ने अपनी फिल्मों के निर्माण के लिए अनेक प्रकार की विशेषताएं अपनाई, वहां उनकी फिल्मों में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि उन्होंने भारतीयता को कभी ओझल होने नहीं दिया। मेरा जूता है जापानी आदि गानों में यह स्पष्ट किया कि जहां भारतीयों ने सब कुछ अपनाने के प्रयत्न किए, वहां उन्होंने भारतीयता को भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। उनकी कोई भी फिल्म देख लीजिए, चाहे वह आवारा हो, चाहे श्री 420 हो, या फिर जिस देश में गंगा बहती है, इन सभी से प्रकट है कि उनके दिल में भारतीयता का एक ऐसा स्वप्न समाया हुआ था कि जिसे वे कभी नहीं छोड़ सकते थे। जब उनकी संगम, प्रेम रोग, सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली आदि फिल्मों में, जहां उनकी महिला कलाकारों ने प्रमुख रूप से नायक की भूमिका के रूप में महत्वपूर्ण रोल अदा किए, वहां भी हृदय में बसी हुई भारतीयता की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी फिल्में देखकर राज कपूर का जादू इस प्रकार छाने लगता है कि दर्शक के लिए उसे अपने से झटक कर अलग करना बहुत कठिन होता है। कि गरीबी और बेकारी का इलाज 420 ही नहीं, उसका इलाज है हिम्मत और मेहनत, उसका इलाज है सारे देश की तरक्की और जनता का एका। फिल्म निर्माता और निर्देशक के रूप में उन्होंने आर.के. फिल्म्स के तहत अनेक फिल्मों का निर्माण किया। उनके अधीन उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई, उनमें प्रायः सभी में प्रेम की भावना को अपने विशिष्ट रूप में दिखाया गया है।
उन्होंने अपनी फिल्मों में जिन नायिकाओं को लिया उनमें नरगिस, वैजंती माला, मंदाकिनी आदि कुछ हीरोइनें ऐसी हैं जो इनकी फिल्मों में काम करने के कारण सदा के लिए अमर हो गई। उनकी कुछ फिल्में जिनमें मेरा नाम जोकर आदि प्रसिद्ध है, इनमें भारतीयों पर एक कठोर व्यंग्य है, परंतु इस प्रकार की फिल्मों में जहां एक संदेश है वहां मनोरंजन भी बहुत है। In the sky, you'll get by. What? If you smile, to your fear and sorrow, smile. And maybe tomorrow, you'll find life is still worthwhile. What's so funny? Just freak! It's a comedy. दोस्तों, प्रारंभ में नरगिस और राज कपूर की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध हुई। आपके पास छुट्टे दुआने हैं जी? छुट्टे दुआने? छुट्टे दुआने? बात यह कि मेरे पास 100 रुपए का नोट है और हमारे काका के पास 100 रुपए का कभी छुट्टा ही नहीं होता। क्यों काका? और उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण फिल्में दी। संभवतः नरगिस ने राज कपूर के सहयोग से जो प्राप्त करना चाहा वह उसे नहीं मिला, परंतु नरगिस ने अपने चरित्र द्वारा अपनी स्थिति इतनी दृढ़ कर ली कि किसी भी क्षेत्र में उनकी अपेक्षा करना कठिन था। राज कपूर को अभिनय विरासत में मिला था। उनके पिता श्री पृथ्वीराज कपूर अपने दिनों एक सफल और मशहूर रंगकर्मी के साथ साथ फिल्म अभिनेता भी थे। राज कपूर का सपना महज 24 साल की उम्र में पूरा हो गया जब उन्होंने फिल्म आग में पहली बार पर्दे पर प्रमुख भूमिका निभाने के साथ साथ फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। फिल्म बनाने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन उनके सपनों की भूख और बढ़ती गई। अब उनका एक और सपना था। वह क्या? वह अपना खुद का स्टूडियो बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने चैंबूर में 4 एकड़ जमीन पर 1950 में अपने आर के स्टूडियो की महत्वपूर्ण स्थापना की। अपने स्टूडियो में उन्होंने 1951 में फिल्म आवारा में रोमानी नायक की भूमिका निभाकर काफी ख्याति अर्जित की। राज कपूर ने 1949 में बरसात, श्री 420, जागते रहो के साथ साथ 1970 में मेरा नाम जोकर फिल्म देकर सबके दिलों में राज किया। राज कपूर का अंदाज लोगों को काफी पसंद आया, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध चरित्र चार्ली चैपलिन का गरीब ईमानदार आवारा का ही प्रतीक है। राज कपूर की फिल्मों के गीत काफी लोकप्रिय हुए। मौसम भीगा भीगा, डम डम भीगा डिगा, मौसम भीगा, जिन्हें आज भी लोगों को गुनगुनाते सुन सकते हैं। लेकिन उनके सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों में मेरा जूता है जापानी, आवारा हूँ और ए भाई जरा देख के चलो प्रमुख है। राज कपूर साहब ने अपने अभिनय की वजह से कुल 26 अवार्ड को अपने नाम किया था, जिनमें से पद्म भूषण, बेस्ट एडिटर और फिल्म फेयर अवार्ड शो की तरह फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और साथ ही दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, राज कपूर एक जिंदा दिल इंसान थे। उनकी सभी फिल्में उनकी जिंदा दिली का साक्षात नमूना है। मनुष्य के जीवन में मनोरंजन का जहां एक महत्वपूर्ण स्थान है, वहां मनोरंजन देने वाले का यह कर्तव्य भी है कि जिनके लिए वह मनोरंजन प्रस्तुत कर रहा है उनकी वास्तविक स्थिति की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए एक विशेष संदेश भी छोड़े। राज कपूर ने अपनी फिल्मों में इस बात को भलीभांति प्रकट किया। इस शताब्दी के महान कलाकारों में राज कपूर का नाम सदैव अमर रहेगा। कि जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां।